हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन, आर्क कंडक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाए तो उनसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। दो एक बॉडी को विदाउट कांटेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं, उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। और एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी से सीधे टच करा दिया जाए तो दूसरी बॉडी चार्ज हो जाती है, तो इसको हम चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग कूलाम ला की बात कर रहे थे। कूलाम ला में हमने सीखा कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा F=1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस कूलाम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये उठता है कि हमारे इस फार्मूले में जो टर्म्स आ रहे हैं वो है चार्ज Q1 Q2। अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हम साइन यूज करते हैं लेकिन चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। आर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह आर ही हमें हेल्प करेगा जिससे कि हम इस फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब ये किस तरह से हेल्प करता है आर, उसको समझने के लिए वेक्टर में किसी भी पॉइंट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं। जैसे ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ए है तो इस ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए। किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक मिला दीजिए तो जो वेक्टर बनेगा वह उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। अब सपोज करिए कि यह जो ओ ए वेक्टर है इसको हम वेक्टर आर वन से रिप्रेजेंट किए हैं, ये आर वन वेक्टर है, ये आर वन वेक्टर है। और ये जो ओ बी वेक्टर है इसको हम R2 से रिप्रेजेंट किए हैं, यह है R2 से रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से यह भी वेक्टर है और यह भी वेक्टर है, तो हम लोग 11th में ट्रायंगल ला पढ़ चुके हैं, उसमें ओ ए बी यह ट्रायंगल बन रहा है। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ये वेक्टर का ट्रायंगल ला है। तो उसी बेस पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर आर वन प्लस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर टू, ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। आर वन को हम उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो वेक्टर आर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, यह एक वेक्टर फॉर्म में है। अगर हम इसके इसके मैग्नीट्यूड को निकाल दें तो पॉइंट ए और बी के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा। तो मॉड आर इक्वल टू हम इसका मॉड कर लेंगे तो इस आर टू माइनस आर वन का क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे। तो जब अगर मॉड आप कर देंगे तो ए और बी के बीच का सेपरेशन निकल आएगा, मतलब यह आर आगे चल के कूलाम ला के आर का काम करेगा। अभी हम लोग इसमें पॉइंट चार्ज रखेंगे। फिर यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर लिखने के लिए किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर आर की वैल्यू है वेक्टर आर टू माइनस आर वन,
ये न्यूमरेटर में लिखा, और जो मॉड आर है वो मॉड आर टू माइनस आर वन है डिनोमिनेटर में। तो ये यूनिट वेक्टर निकला है, यहाँ पर 1 2 हमने शो किया है। 1 2 का मतलब अगर ए आपका 0.1 है और बी 0.2 है, तो आर 1 2 का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो 1 से 2 की ओर है, मतलब एलांग ए बी। यह जो वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखा गया है वो एलांग ए बी, मतलब ए से बी की ओर आपका ये वेक्टर है, ए से बी की ओर है। तो ये आपका 11th का वेक्टर आपका हो गया। अब हम लोग इस चीज़ का यूज कूलामला में कैसे करते हैं? अब अगर कूलामला को हम लोग लिखेंगे तो मॉड एफ, अब चूँकि वेक्टर है इसलिए मॉड लिखना है, वैल्यू है फोर्स की, के वही 1/4π ε0, मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू, मतलब जो चार्ज है उनके साथ साइन नहीं यूज करना है, अपान उन चार्ज के बीच का सेपरेशन। तो अब चूंकि इस कूलामला को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ज क्यू वन और चार्ज क्यू टू कहाँ पर प्लेस है इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। मेन चीज़ ये है, लोकेशन पहले चार्ज का और दूसरे चार्ज का, तभी उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पहला चार्ज Q1 है वो इसी पॉइंट A पर है, इसको हम यहाँ पर अब यूज कर रहे हैं, पॉइंट A पर है। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 इज वेक्टर OA एंड गिवन बाय वेक्टर R1। आप इसे वेक्टर R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर एरो लगाएंगे तो वेक्टर हो जाएगा। और जो Q2 चार्ज है वो इस B पॉइंट पर ले रहे हैं, तो इस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी ये आपका वेक्टर आर टू हो गया। मतलब इस ये चीज़ क्लियर है कि जो दोनों चार्ज है वो कहाँ पर है ये पहले तय करना पड़ेगा, पहले चार्ज का लोकेशन दूसरे चार्ज का लोकेशन। बस सिंपल इतनी सी बात इसमें हम लोग समझते हैं। अब दोनों चार्ज के बीच का जो गैप है, सेपरेशन है आर, उस आर को हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। यह फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जितना जो लिखा गया है ये मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम एक यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वह यूनिट वेक्टर यही होगा आर वन टू, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो 1 से 2 की ओर बनाया गया है। तो हमें सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसी में हम इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसको हम लोग लिखते हैं। तो अब यहाँ पर फिर वही डायग्राम है, सपोज करिए चार्ज पहला है Q1, ये Q2 है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर दोनों लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो दूसरे चार्ज पर पहले ने रिपेल किया, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑन सेकेंड बाय वन, F21 से रिप्रेजेंट किए हैं। तो जो दूसरे चार्ज पर पहले ने रिपेल किया, तो पहले ने जब रिपेल किया तो उसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब जो हम लोग निकाले हैं यूनिट वेक्टर आर वन टू वो इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि जो फोर्स है ये एफ टू वन उसका डायरेक्शन आर वन टू के ही अलांग है, इसलिए हम इस मैग्नीट्यूड में सिंपली इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है वेक्टर एफ टू वन, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाई वन, के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर वन टू। अभी हम लोग इसके पहले निकाल चुके हैं यूनिट वेक्टर आर वन टू, ये वैल्यू है। इस यूनिट वेक्टर के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, और आर जो सेपरेशन है वो अभी हम लोग
निकाल चुके हैं, मॉड आर टू माइनस आर वन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर है और ये और है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्यूब हो गया। ये आर टू माइनस आर वन है, ये क्यू वन क्यू टू है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पिछले एक्सप्रेशन और इसमें डिफरेंस हो रहा है। पिछले एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पर चार्ज में मॉड लगाए थे, मतलब ये फोर्स की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ हमारे एक्सप्रेशन में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर चेंज ये हो रहा है कि Q1 Q2 में मॉड रिमूव कर दिया हमने, यानी यहाँ पर चार्ज में साइन यूज करना है, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन गलत रिजल्ट देगा। मतलब अगर पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर मालूम है और दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे और नीचे उसका डिफरेंस लेके मॉड लेंगे, क्यूब करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, फिर हमारा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये आपका हुआ फोर्स F21। अच्छा, पहले चार्ज पर दूसरा उधर की ओर रिपेल करेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड। पहले चार्ज पर दूसरे ने कितना फोर्स लगाया, तो के क्यू वन क्यू टू बाई मॉड आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यूनिट वेक्टर आर टू वन हो गया, क्योंकि पहले को दूसरा उधर की ओर रिपेल करेगा। तो अगर यह यूनिट वेक्टर आर वन टू इस डायरेक्शन में है ए से बी की ओर, तो जो यह फोर्स वन टू है वह बी से ए के ओर होगा, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा आर टू वन। अब आप इलेवेंथ में पढ़े होंगे कि अगर कोई वेक्टर ए है उसके डायरेक्शन को हम जस्ट रिवर्स कर दें तो माइनस ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आर वन टू ए से बी की ओर है, अब बी से ए की ओर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आर वन टू। फिर हम आर वन टू की जो वैल्यू जिस तरह यहाँ पुट किए हैं वही सेम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यह जो वैल्यू है वो जस्ट ये भी वही आएगा, बस अंतर इतना होगा केवल माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए पहले चार्ज पर दूसरे ने जितना फोर्स लगाया, दूसरे चार्ज पर पहले ने भी उतना ही फोर्स लगाया, माइनस आया, माइनस अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरह से हम लोग कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए सिंपली इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हम कह रहे थे कि Q1 Q2 में साइन यूज करना है, अब देखिए अगर Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब दोनों रिपल्सिव नेचर में है, डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, और जो भी यहाँ वेक्टर आएगा वो नेगेटिव का मतलब कि यह डायरेक्शन जो है फोर्स का वो रिवर्स हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो सेकंड पर फोर्स पहला उस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस तरह से हमें सिंपली यही समझना चाहिए कि कूलॉम्स लॉ में दोनों पॉइंट चार्ज का लोकेशन मालूम अगर हो। अच्छा, सिंपली ये वेक्टर में बताया गया होगा आपको कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है उसको आई जे के साथ लिख देंगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो आइए हम लोग अब एक एग्जांपल लेते। क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट चार्ज है, ये Q1 और दूसरा है Q2। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। अब Q1 पॉइंट जो चार्ज है वो कोऑर्डिनेट 1, 5 पर है, हम टू डायमेंशन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट है 1, 5। जो दूसरा पॉइंट चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट है 5, 2, मतलब ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो पहले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर आर वन होगा। अब आर वन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 1, 5 है तो आर वन वेक्टर होगा 1i + 5j, और जो दूसरा चार्ज क्यू टू है उसका कोऑर्डिनेट 5, 2 है, तो ये जो वेक्टर R2 लिखेंगे R2 = 5i + 2j। 3D में अगर होता तो
तो यही आपको समझना है कि आई जे और के लिख लिया जाता बस। अब उसके बाद कूलाम ला में आर टू माइनस आर वन, ये आपका हो जाएगा वेक्टर वन टू। अब आर टू माइनस आर वन कैसे निकालेंगे, आर टू की वैल्यू ये है, आर वन की वैल्यू ये है, दोनों आप रखेंगे सिंपली अलजेब्रा जैसे सॉल्व कर देंगे। तो फाइव आई माइनस आई फोर आई, टू आई माइनस फाइव जे माइनस थ्री जे हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव का फाइव हो गया। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन टू बाई वन। अब यहाँ पर फार्मूला याद करने में क्या आप ध्यान रखेंगे कि यह टू वन, यहाँ पर टू वन है तो यहाँ भी आपको टू पहले और वन बाद में लेना है। अगर ये एफ वन टू रहेगा तो ये आर वन माइनस आर टू निकाला जाएगा, यह गलती नहीं होना चाहिए। तो अब पहला चार्ज पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू वन लिखेंगे आप, यह नेगेटिव है तो माइनस क्यू टू लिखेंगे, और आर टू माइनस आर वन का मॉड फाइव निकला उसका क्यूब फाइव क्यूब लिख दिए, और आर टू माइनस आर वन जो निकला है वो फोर आई माइनस थ्री जे यहाँ पर पुट कर देंगे। बस यही जो है यही वेक्टर फॉर्म में आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ें और इंक्लूड रहेंगी, दोनों चार्ज की वैल्यू यहाँ रखेंगे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 15, तो 15 ब्रैकेट में 4i माइनस 3j, तो इस तरह से जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। आइए हम इस पर बात करते हैं कि आखिर ये फोर्स लग कैसे रहा है। देखिएगा फोर्स ऑन 2 बाई 1, तो अब यहाँ पर एक और डायग्राम है, ये पहला चार्ज q1 है दूसरा चार्ज q2 है, तो दूसरे चार्ज को पहला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये एफ टू वन का डायरेक्शन इधर की ओर हुआ, ये तो चार्ज पोजीशन से हम लोगों ने लिखा। लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन आया है 4i माइनस 3j, इसको अगर आप वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे i के अलांग 4 और j के अलांग माइनस j है, इसलिए नीचे लिया माइनस 3। इसको आप लोग इस तरह से मिलाते हैं, मिलाने के बाद ये आपका 4 माइनस 3 है तो ये वेक्टर निकला इधर। अब 4i माइनस 3j का डायरेक्शन इधर है, तो ये आप लोगों को लग रहा है कि ये तो गलत हो गया। दूसरे को जो पहला चार्ज है वो उधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, जबकि इस एक्सप्रेशन से इधर आ रहा है, लेकिन नहीं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो इधर के बजाय आप ये ब्लैक वाला वेक्टर देखेंगे माइनस फोर आई प्लस थ्री जे, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यह डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, यानी फोर्स ऑन टू बाई वन का जो डायरेक्शन है इधर होगा। तो ये कूलाम ला का जो है वेक्टर फॉर्म में ये यूज है, ये ज़बरदस्त यूज है, इसके मदद से हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को कंप्लीट निकाल लेते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, चार्ज के का पोजीशन वेक्टर लोकेशन मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। अगर एक ही जगह पर कई पॉइंट चार्ज रखे गए हैं फिर उसमें किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की अगर बात की जा रही है तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे यह है चार्ज Q1 है पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, Q3 नेगेटिव और Q4 पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फोर्स आन वन, क्यू वन चार्ज पे जो नेट फोर्स है उसकी बात करेंगे। किसी भी पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स निकाला जा सकता है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स नेट फोर्स निकालना होगा हम लोग ये देखेंगे कि उस पॉइंट चार्ज को बाकी जितने चार्जेज हैं वो किधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों,
ये जो चार्ज पॉजिटिव है, जो Q2 चार्ज है, वो इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 1/2। जो Q3 है वो नेगेटिव है, तो इस पहले चार्ज को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1/3, तीसरा पहले को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन चौथा आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस पहले चार्ज को इधर की ओर रिपेल करेगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर शो किया गया है, फोर्स ऑन 1/4। तो इस Q1 चार्ज पर 1, 2, 3 फोर्सेज लग रहे हैं। सिंपली हम लोग वेक्टर एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू वेक्टर, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर। लेकिन इससे यह नॉर्मल एडिशन नहीं है, यह ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि सपोज करिए पहला फोर्स 3 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स 2 न्यूटन का है और तीसरा फोर्स 5 न्यूटन का है, तो आप इसे सिंपली ऐड कर दें न्यूमेरिकली 3 + 2 + 5 = 10। रॉन्ग कैलकुलेशन, ये गलत है। यह आप सीधा अलजेब्रिक तभी ऐड कर सकते हैं जब तीनों वेक्टर IJK के फॉर्म में हो, तब आप इसे अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 11th में पढ़ाया गया होगा पैरेललोग्राम लॉ, अगर एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, उनके बीच का इंक्लिनेशन थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर √P² + Q² + 2PQ cos θ। इसके हेल्प से 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर तीसरे का, फिर तीसरे का, फिर ऐसे जितने भी फोर्सेज रहेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे। लेकिन यह प्रोसीजर बिल्कुल टफ प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कई वेक्टर का एडिशन करना है तो वेक्टर को IJK के फॉर्म में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है। लेकिन हम लोगों के फिजिक्स में जो आता है वो सिंपल फोर्स का कैलकुलेशन आता है। जैसे देखिए, अगर 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, P और Q, तो रिजल्टेंट P + Q। इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही P और Q का ही डायरेक्शन होगा। अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, P इस डायरेक्शन में, Q इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट P - Q होगा, लेकिन बड़े वाले फोर्स के अलांग उसका रिजल्टेंट होगा। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो √P² + Q² होगा। तो लाइक अनलाइक परपेंडिकुलर, ये 3 ज़्यादा यूज होता है आपके फिजिक्स के कैलकुलेशन में। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट चार्ज पर हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में तमाम चीज़ें पढ़ें कि चार्ज ही एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा ब्रह्मांड आपका बना है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में 2 ही चीज़ें हैं, पहली चीज़ चार्ज, दूसरी चीज़ मास। इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से ही हर सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। एटम की कल्पना बिना चार्ज के आप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ एक प्रश्न भी आपको हम पूछ रहे हैं कि हम सिंपली अपने पेन को बाल में जब हम रगड़ते हैं सूखे बाल पर, तो बाल और पेन तो चार्ज हो गया, लेकिन अगर हम उस पेन को किसी कागज़ के पास लाते हैं तो कागज़ अट्रैक्ट होता है, तो कागज़ तो चार्ज है नहीं। तो आपको ये विचार करना है कि जो पेन है वो चार्ज बॉडी है, वो किस तरह से अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास और चार्ज के बीच में, चार्ज और मास के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो चार्ज आपके 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज है तो या तो रेस्ट में हो, या मूविंग कंडीशन में हो, या एक्सेलरेटिंग कंडीशन में हो, चार्ज के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, चार्ज के अंदर 3 कैरेक्टर जरूर होता है। अगर स्टेशनरी चार्ज है
तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आगे आपको बताया जाएगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपली जो दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरह से एक बॉडी से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इस तरह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन आप पढ़े होंगे। चार्ज में दो तरह का बिहेवियर होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, लेकिन मास में केवल अट्रैक्टिव बिहेवियर होता है। इसको आप एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से पढ़ते हैं। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के चार्ज की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसका भी कुछ न कुछ मास होता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन मास अगर है तो वह चार्ज होगा यह आवश्यक नहीं है। सिंपली चार्ज का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नॉर्मल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो नॉर्मल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब हम लोग कुछ बातचीत करते हैं आगे, जो आगे आपका यूज होगा। अगर कोई एक फाइन वायर है, पतला तार है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसका लेंथ एल है, तो एल लेंथ पे क्यू चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, क्यू बाई एल। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एक सरफेस है उसकी एरिया ए, उस पर टोटल चार्ज क्यू लेकिन यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। इसका मतलब ये होता है कि यूनिट सरफेस पे सिग्मा चार्ज है, कितना चार्ज है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सिंपली इन सब चीज़ों का यूज हम लोग आगे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ हमने लिया, वह लेंथ आपका है एक्स, तो अगर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो एक्स लेंथ पे लैम्डा एक्स चार्ज हो जाएगा। सिंपली इसी चीज़ के लिए हम इसका इसको हम पढ़ते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर ये बॉडी है उसका वॉल्यूम कैपिटल वी, इस पर टोटल चार्ज क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई वी। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। बच्चों आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी देख लेंगे। एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके जो पाँच कॉर्नर हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है, सभी की वैल्यू क्यू 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 है, और उसके सेंटर पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इस सेंटर पर जो नेट फोर्स होगा उसे आपको बताना है। एक अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज मेड आउट ऑफ ए थिन मेटलिक वायर, द रिंग हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज क्यू कूलाम, फाइंड द टेंशन ऑन द रिंग व्हेन ए चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये रिंग है, इस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज की टोटल वैल्यू कैपिटल क्यू है, उसके सेंटर पर अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो इस रिंग का जो वायर है इस वायर पे कितना टेंशन होगा इसे कैलकुलेट करना है। और एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लेंगे, कैन टू सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दो लाइक चार्ज कभी अट्रैक्ट करता है, इस पर आप विचार करेंगे। अब हम लोग एक और पॉपुलर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं सीलिंग छत है, यहाँ से दो इक्वल लेंथ के थ्रेड हैं और ये बहुत ही लाइट वेट के दो बॉब हैं, दो गोलियाँ हैं, इनके मास इक्वल है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से हैंग होगा। लेकिन अगर हम लोग इनको इक्वल अमाउंट में चार्ज दें
दोनों पे इक्वल चार्ज क्यू क्यू। तो ये जो दोनों बाब है, ये दोनों बाब एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करके एक सर्टेन सेपरेशन के बाद ये रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं कि टेंशन कितना लगेगा, कितना ये जो थ्रेड है इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये दोनों चार्ज रिपेल हो करके यहाँ पर रुक गया है। सपोज करिए इनके बीच का सेपरेशन आर है, तो पहले चार्ज के द्वारा दूसरे पे इधर की ओर फोर्स लगेगा और दूसरा पहले पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। दोनों का जो वेट है एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो थ्रेड पर टेंशन है टी, और टी ये टी थ्रेड के लांग काम करेगा। यहाँ भी टी है, पेयर में आप 11th में रिप्रेजेंट करते थे। सपोज करिए वर्टिकल से इस थ्रेड का जो एंगल है थीटा है, अगर दोनों इक्वल चार्ज है और इक्वल मास है तो ये जो दोनों एंगल होगा सेम होगा। तो दोनों एंगल सेम है। अब यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है तो सबसे पहले हम लोग इनके बीच का कूलाम फोर्स देख लेते हैं। एफ इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, आर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, टेंशन, रिपल्सिव फोर्स, वेट, ये तीन है। तो तीन के बाद भी ये पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा है, इनका इसका ये मतलब हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो इसको हम लोग अगर एक ही पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग कई तरीके से लगाते हैं। एक आपका लामी थ्योरम पढ़ाया जाता है उससे भी हम लोग करते हैं, और दूसरा सिंपली रिजॉल्व करके। तो रिजॉल्व करके लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो हम लोग इस पॉइंट चार्ज ए का एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, यहाँ पर ये आपका ए है, यहाँ पर ध्यान देंगे ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये टेंशन का डायरेक्शन शो है, ये फोर्स है, ये एमजी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेंशन डॉट डॉट बनाया हमने, तो इस हम टेंशन को हमने रिजॉल्व कर लिया। तो थीटा के लांग इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा। अब जो यहाँ पर आपके फिगर में 1, 2, 3 तीन फोर्सेस थे, अब वो चार में कन्वर्ट हो गया। सिंपली हम अपने फिजिक्स में इसी तरह की एक्टिविटी करते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा इसे आपको बैलेंस करेगा, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये आपका इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है। अब इसमें दो कैरेक्टर आपका है, टेंशन है और एंगल है। अगर आपको थीटा निकालना है, थीटा पे बातचीत करना है, तो सिंपली हम इक्वेशन वन डिवाइड बाई टू, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एफ अपॉन एम जी, टी टी कैंसल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा। और इस फोर्स की वैल्यू कूलाम लॉ से यहाँ आप लिख चुके हैं, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उसको यहाँ पर पुट करेंगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिला, इसमें कोई भी अगर अननोन वैल्यू हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा को किस तरह से कोरिलेट करेंगे, अगर थ्रेड लेंथ एल है तो देखिए एल, ये जो सीधा वर्टिकल लाइन ड्रा किया हम लोगों ने ओ सी यहाँ पर बनाया गया है। अगर ये पूरा सेपरेशन आर है तो हाफ सेपरेशन आपका आर बाई टू होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, थीटा के लिहाज से इसको परपेंडिकुलर बोलना है, और ये आपका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं। फिर इसको निकलने के बाद टैन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आप कुछ भी लिख सकते हैं।
अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो ये जो दोनों इक्वेशन है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं सिंपली। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वन, एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, यहाँ से एफ की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से इसमें हमने सिंपल एक्सप्रेशन हम आपको बताए, इसके हेल्प से कहीं से भी कोई भी अननोन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं।